धनबाद में सीएम चंपई सोरेन ने 50,000 नियुक्तियों का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक सिपाही आबकारी विभाग में नियुक्तियां होंगी। तो धनबाद में सीएम चंपई सोरेन का बड़ा ऐलान, 50,000 के आसपास नियुक्तियां होंगी, शिक्षक होंगे, सिपाही होंगे, आबकारी विभाग में होगी। तो झारखंड में 50,000 नियुक्तियां होंगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का धनबाद में बड़ा ऐलान, शिक्षक सिपाही आबकारी विभाग में नियुक्तियां होंगी। 50,000 नियुक्तियों की बात मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सौगात देते हुए झारखंड को दिया, कहा कि जल्द ही 50,000 नियुक्तियां होंगी, चाहे वो शिक्षक बहाली हो, सिपाही बहाली हो या आबकारी विभाग। शिक्षा का बहाल हम शुरू कर दिया है। ये अगस्त सेप्टेम्बर में 40,000 से 50,000 शिक्षक सिपाही क्षेत्रीय भाषा जनजाति भाषा शिक्षक बहाली शुरुआत है। इतना कोई भी सहायक शिक्षक का तो उसका तो चल रहा है प्रक्रिया, उसका बाद सिपाही बहाल, एक्साइज विभाग का बहाल, विभिन्न विभाग का बहाल, ये 2-3 महीने बहाल की ही हम लोग नियुक्ति का ही हम लोग काम कर रहे हैं। हर शिक्षित पर अपना अपना उसमें अपना भाग लेके आप लोग अपना नियुक्ति प्राप्त करें। ये सरकार काम करने वाली सरकार है, जो कहते हैं वही करते हैं। शिक्षा का बहाल हम तो शिक्षक सिपाही आबकारी विभाग में होंगी झारखंड में बड़ी नियुक्ति, 50,000 के आसपास नियुक्ति का वादा कर रहे हैं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। बड़ा ऐलान धनबाद में सीएम चंपई सोरेन का, 50,000 नियुक्तियां होंगी जिसमें शिक्षक बहाली सिपाही आबकारी विभाग में ये नियुक्तियां होंगी। तो झारखंड को बड़ी सौगात देने की तैयारी में गठबंधन सरकार, खुद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने किया ऐलान कि 50,000 नियुक्तियां होंगी झारखंड में, चाहे वो शिक्षक हो, सिपाही हो या आबकारी विभाग में हो। तो धनबाद में सीएम चंपई सोरेन की तरफ से बड़ा ऐलान, कहा कि 50,000 नियुक्तियां होंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, ये बड़ा ऐलान कह सकते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, एक साथ 50,000 की ज्वाइनिंग का पैकेज है, कह सकते हैं कि झारखंड के लिए और वहां के जो लाभार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये गोल्डन पीरियड है। ठीक है, झनबाद में कई तरह के सौगात देने का काम मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने किया है। इसके नौकरी के साथ साथ उन्होंने जो 25 से 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको पेंशन देने की बात कही है और अगले महीने से कवायद शुरू करने की बात कही। उसके साथ ही अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना की बात कही, इसमें 15,00,000 तक मुफ्त इलाज की बात कही है कि ये अगले महीने से भी झारखंड में लागू होगा, जिसमें कवायद शुरू हो गई। उसके साथ ही उन्होंने जो 50,000 नियुक्ति की बात कही, ये बड़ी बात है झारखंड के लिए, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में लगातार ये मुद्दा बना आ रहा था कि जिस नौकरी और नियुक्ति के नाम पर झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी, वो गठबंधन सरकार सरकार में आने के बाद ही नियुक्ति की बात भूल गई, नौकरी देने की बात भूल गई। लेकिन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जिस तरह की घोषणा की है उससे साफ जाहिर होता दिखाई दे रहा है कि चंपई सोरेन का जो काम है एक्शन मोड में चल रहा है और करनी और कथनी में बहुत का अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। और उन्होंने साफ कहा है कि 50,000 जो नियुक्तियां होंगी उसमें सिपाही होंगे, वनरक्षी होंगे, आबकारी विभाग के होंगे और शिक्षक होंगे और अन्य भी विभाग जो शामिल हैं जहां पे रिक्त पद खाली हों उसे भरा जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो चुनावी वर्ष झारखंड का तो चल रहा है लेकिन 4 से 5 महीना बचा है चुनाव में, लेकिन ये 4 से 5 महीना झारखंड के लिए झारखंड के युवाओं के लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से चंपई सोरेन घोषणाएं कर रहे हैं और उस घोषणाओं को अमलीजामा पहना रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता दिखाई दे रहा है कि झारखंड के लिए ये सरकार इन 5 महीनों में एक तरह से कह सकते हैं तोपों का पिटारा खोल कर रखी हुई है और लगातार युवा हों या महिलाएं हों या पुरुष हों, छात्रों छात्राओं, सबको योजनाओं का लाभ देने का, योजनाओं से लाभान्वित करने का काम चंपई सोरेन सरकार कर रही है। जी, तो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने ऐलान किया है 50,000 नियुक्तियों का, चाहे सिपाही की बहाली हो, चाहे शिक्षक, चाहे आबकारी विभाग की बात हो। तो जैसा कि हमने कहा, यह बिल्कुल स्वर्ण काल की तरह है और बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है कि मुख्यमंत्री खुद 50,000 नियुक्तियों की बात कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।